है ना, आप फिर से ध्यान से सुनना, महीने के आरंभ में उस महीने के नाम का नक्षत्र होता है। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प किया तब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पे था, तो चैत्र मास, जिसको अपन लोग चेटीचंड बोलते हैं, वो वर्ष का गुड़ी पर्वा प्रथम दिन मानते हैं हिंदू संस्कृति में। परंतु जैसे हनुमान जयंती दो मानते हैं मुख्य, चैत्र मास की भी मानते हैं हनुमान जयंती, चैत्र मास की पूनम, और कार्तिक मास की पूनम की भी हनुमान जयंती कहीं कहीं मानते हैं कि ये भी हनुमान जयंती है। तो उसी प्रकार दिवाली का दूसरा दिन भी नूतन वर्ष के रूप में हम लोग मनाते हैं, पर ये गुड़ी पर्वा चैत्र मास चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पे, इसलिए वो अपनी सनातन वैदिक संस्कृति के आधार पर वो माना जाएगा। पर सदगुरु नहीं है, गुरु की भक्ति नहीं है, गुरु की दीक्षा शिक्षा नहीं है, तो 31 दिसंबर की रात को पार्टी मनाते हैं, हैं? पार्टी देते हैं एक दूसरे को, और कॉलेज के लड़के लड़कियां फिर डिस्को करते हैं, आवारागर्दी करते हैं, मवालियों की तरह शराब पीकर रात को 12:30 बजे एक दूसरे को फोन करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, मूडता है, है? ना समझिए, जबकि अपने ऋषि विधान में नूतन वर्ष में बोलते हैं मंत्र, ओम ब्रह्मणे नमः, बोलो ओम ब्रह्मणे नमः, ओम कालाय नमः, ओम। ये कितनी सुंदर वैदिक संस्कृति है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ये मूढ़ों का काम है। मुझे आज किसी ने बताया कि हम हैप्पी न्यू ईयर के लिए आए हैं, मैंने कहा कि तुमने धर्म कब से बदल दिया, कितना बढ़िया ये नूतन वर्ष जो अपना शुरू हो तो उस समय ऐसे मंत्र बोले जाते हैं, हे काल पुरुष आपको हमारा प्रणाम है, ओम कालाय नमः, ओम मुहूर्ताय नमः, ओम सप्त समुद्रेभ्य नमः, ओम सप्त समुद्रेभ्य नमः, ओम गंगादि सप्त नदीभ्य नमः, ओम गंगादि सप्त नदीभ्य नमः, ओम सप्त ऋषिभ्य नमः, ऐसा बोलते हैं। और ऐसा ऋषियों को नमन करके फिर प्रार्थना करते हैं, भगवान हे गुरुदेव आपकी कृपा से हमारा नूतन वर्ष वो क्षेममय माने कुशलमय हो, वर्ष भर के जितने भी उपद्रव या मेरे लिए कष्ट होने वाले हों वो सब शांत हो जाएं, ऐसा संकल्प करते हैं। पर मूढ़ लोग जिनके जीवन में गुरु नहीं, गुरु भक्ति नहीं, वो तो फिर शराब पियेंगे, सिगरेट पियेंगे और फिर बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर, पर अपने यहाँ ये ओम सप्त ऋषिभ्य नमः, ओम सप्त ऋषिभ्य नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो गुरु की भक्ति के बिना का जीवन एक ऐसा फूल है जो खिलाई नहीं, ऐसे ही खत्म हो गए। गुरु की भक्ति के बिना का जीवन ऐसा दीपक है कि जिसमें प्रकाश ही नहीं है। गुरु की उपासना के बिना का जीवन एक ऐसा शिवालय है जिसमें शिवलिंग नहीं है, शिव जी की मूर्ति नहीं है। भगवान की मूर्ति ना हो तो मंदिर कैसा, कमरा है खाली, वो मंदिर थोड़ी है। गुरु की भक्ति का भक्ति के बिना का जीवन एक ऐसी नाव है कि जिसमें नाविक ही नहीं है, कोई चलाने वाला ही नहीं है, कहीं भी जाए डूब जाए क्या पता। गुरु की शरण के बिना का जीवन एक ऐसी बांसुरी है जो कभी बजी ही नहीं। गुरु की उपासना के बिना का जीवन एक ऐसा बीज है जो अंकुरित ही नहीं हुआ और नष्ट हो गया। तो ये क्या है कि ये रोशनी अंधेरे में खो गई,